वेद, तू सिर्फ झूठ नहीं बोल, क्या है तू इतना बड़ा सा बॉम्ब फोड़ क्या है? वेद प्लीज, हाँ तू कुछ भी बोलने के पहले, कुछ भी करने के पहले 10 बार सोचा कर, ये तो हमेशा प्रॉब्लम में फंसता है तू। अरे जी जी, जो हो गया उसको छोड़ो, अब आगे सोचो। अभी अभी जस्ट बचाओ, मम्मा ये नोट देख लेती तो अभी बस। मैं स्कूल से क्या, पुष्कर से ही उर। वेद, सबसे पहले मुझे ये था। और ये तो बॉम्ब नंबर 2 लेके क्यों घूम रहा है? अगर गलती से भी ताईजी ने देख लिया ना, तो सोच तू तो आज गया, फिर तो तुझे पहाड़ी वाले बाबा भी नहीं बचा पाएंगे। तू ना सबसे पहले इसको फेंक। ये बच्चे इतना समझाने के बाद भी कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। सूरज जी का नाम? सूरज जी के लिए स्कूल से इनविटेशन? वेद ने मुझे बताया क्यों नहीं, पर इसे फेंक दिया? वेद से बात करनी पड़ेगी कि आखिर चल क्या रहा है उसके दिमाग में। पर तुझे प्रॉब्लम क्या है अगर ताऊ जी स्कूल आए तो? जी जी, जो पापा स्कूल आए तो सब बच्चे मजाक उड़ाएंगे, जलेबी वाला, लड्डू वाला कहकर चिढ़ाएंगे। पापा के साथ साथ मेरी भी इज्जत फिनिश। फिर मैं कभी स्कूल जा ही नहीं पाऊंगा ना। नहीं, पापा स्कूल नहीं आ सकते, कुछ सोचो ना। फिर पापा स्कूल नहीं जाए सॉरी, मेरे पापा जिन काम से बाहर गए तो नहीं आ पाएंगे। हाँ, ये ठीक है। जानवी? यस टीचर। आयुष? यस मिस। रिया? यस मिस। खुशी? टीचर, मे आई कम इन? यू आर लेट वेद। टीचर, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कुछ बोलना है। स्टूडेंट्स, टुडे इज अ स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस। आज वेद के पापा हमारे बीच एंटरप्रेन्योरशिप पर बात करने आ रहे हैं। अपने बिजी शेड्यूल में से आज उन्होंने वेद और आप सबके लिए टाइम निकाला है। सो क्लैप फॉर हिम। मेरे पापा आ रहे हैं? हाँ, आपके मामा ने मुझे पहले ही फोन करके बता दिया था कि आपके पापा आ रहे हैं। इसका मतलब मम्मा ने वो नोट पढ़ लिया था? मम्मी से कभी कोई बात नहीं छुपती, बहुत तगड़ी वाली पुलिस है वो। अभी मेरा सारा झूठ पकड़ा जाएगा और फिर मैं। स्टूडेंट्स, आज हम खुशी के साथ स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट मिस्टर सूरज राठी का। आप जानते हैं ये कौन है? चलिए मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। ये मेरा है। स्टूडेंट्स, नो, कीप क्वाइट, क्वाइट, बिहेव योरसेल्फ। वेद, मुझे तो लगा था कि तेरे पापा सूट पूट नाएंगे, पर ये तो। ये सब क्या है? पापा क्या यहाँ हलवाई वाला काम करके दिखाने वाले? अब तो तेरी सबके सामने हर रोने वाली है। वेद के पापा होटल के मालिक है ना, तेरे ये सब सामान क्यों लेकर आया है? पापा हमेशा सही कहते हैं, झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकता, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। कुछ मिनट में सूरज जी अपना लेक्चर देंगे और वेद की मुस्कुराहट लौट आएगी पूरे गर्व के साथ। इससे पहले कि मिस्टर राठी अपनी बात कहें, मैं चाहूंगी कि हमारी क्लास के मॉनिटर वंश कोठारी यहाँ आके इनका स्वागत करें।
ये लीजिए वॉच। सॉरी मैम, वो क्या है कि हमारे घर में कोई फैमिली इमरजेंसी होगी, इसलिए मुझे वंश को इसी वक्त यहाँ से ले जाना होगा। मैंने प्रिंसिपल से परमिशन ले ली, आप ये काम किसी और बच्चे से करो। समझ लो। पर ये बर्थडे पार्टी है किसकी? वैसे तो कुछ दिन के बाद वेद और वंश, मेरा मतलब है वेद का बर्थडे आने वाला है, लेकिन आज आज हम यहाँ पे किसी और का बर्थडे मनाने वाले हैं। किसका? बॉबी का। बॉबी कौन है वो बाद में सबको पता चल जाएगा, लेकिन उसकी बर्थडे सेरेमनी में खाने का अरेंजमेंट्स का जो ऑर्डर मिला है वो मिला है शेख चिल्ली को। शेख चिल्ली? शेख चिल्ली कौन है? वो एक एंटरप्रेन्योर है। आप सब लोग शेख चिल्ली से मिलना चाहते हैं? तो ये है शेख चिल्ली। बॉबी की बर्थडे पार्टी पे शेख चिल्ली ने बनाने का फैसला किया है मिल्क शेक। अभी पापा मिठाई की बात करने लगेंगे और फिर सभी मजाक उड़ाएंगे। तो जोरदार तालियां हो जाए शेख चिल्ली के लिए। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।